9 जुलाई को जो भयंकर बाढ़ आई थी उससे ये हमारा लाल पुल जो उस बहाव में बह गया था, जिसके कारण आज हमारे पंडो बाजार में इतना सुनसान पड़ा है, क्योंकि पुल की वजह से यहाँ 12 पंचायतें साथ में लगती है, इसका लोगों का चल आना जाना डेली होता था। तो अब सरकार उसके एक झूला पुल बना रही है। हमें सरकार से निवेदन है कि झूला पुल कहीं झूला ही ना रह जाए बन के, क्योंकि इस पुल का सरकार को शीघ्र जल्दी निर्माण करना चाहिए, जिससे कि इस लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। तो मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि इस झूले पुल के साथ साथ इस पुल का भी जल्दी से जल्दी निर्माण किया जाए। पंडोस जो हमारा कस्बा है उसको आसपास की पंचायतों से उसकी कनेक्टिविटी बिल्कुल टूट गई, और जो आसपास के पंचायतों से लोग यहाँ पे आते थे, सामान लेने के लिए आते थे और भी किसी और पर्पसेस के लिए आते थे, वो सारा बिजनेस जो है पंडो बाजार में नील हो गया। तो मैक्सिमम जो है 60% कस्टमर्स जो है आसपास के गाँव से ही पंडो में आते थे, तो सबका बिजनेस अच्छी तरह चलता था। तो इसीलिए मेरा माननीय PWD मिनिस्टर जी से आग्रह है कि जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि पंडो के स्कूल को सबसे पहले बनाया जाएगा, तो कृपा करके उनसे आग्रह है कि इसको सबसे पहले बनाने की प्राथमिकता दी जाए। जैसे कि अब और जगह भी हमने देखा कि कुल्लू में, भुंतर में, सैंज में, सब जगह बैली ब्रिजेस बनने चालू हो गए हैं, लेकिन पंडो में अभी एक नॉर्मल झूला बनाया जा रहा है। तो ऐसा ना हो कहीं ये पुल की जगह में ये झूला ही पंडो के लिए झूला ही रह जाए। तो आपसे निवेदन है मंत्री जी कि कृपा करके इस पुल को शीघ्र अतिशीघ्र बनाया जाए, और झूले से हमारी ये सारी जो है डिमांड जो पूरी फुलफिल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये लोगों की दिनचर्या में शामिल था। बहुत सी ऐसी पंचायतें हैं जहाँ से लोगों का आना जाना 10 मिनट में पंडो, 10 मिनट में वापस, और पंडो बाजार की भी जो आर्थिक स्थिति है इसी पुल के ऊपर टिकी हुई थी। परंतु अब जो है और जगह जो देखते हैं हम, वहाँ पर काम शुरू हो चुका है। विक्रमादित्य जी ने भी बोला था सबसे पहले पंडो का लाल पुल का काम स्टार्ट होगा, परंतु यहाँ पर एक झूला लगाया जा रहा है। हम झूले के विरोध में नहीं है, चलो झूला जब तक टेम्परेरी है तब तक लगना चाहिए आने जाने की सुविधा, परंतु जो हमारा वैली ब्रिज है गाड़ियों के लिए और पैदल चलने के लिए, और बहुत ज़रूरी है, वो द्रंग के लोगों के लिए भी सहूलियत प्रदान करेगा और जो द्रंग और सदर को जोड़ने में भी एक अहम कड़ी प्रदान करेगा। इसलिए हमें उम्मीद है कि सरकार इसका काम बहुत जल्द शुरू करेगी। हमें यही है कि हमारे बाजार में जो गया पुल उसका डिमांड रख रहे हैं, और आप शीघ्र करो बनाओ उसको।